हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर देवाशीष शर्मा और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिसोड 10 ऑफ आस्क डॉक्टर देवाशीष। आज डॉक्टर देवाशीष एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों को लेने की, उनके जवाब देने की और आपकी प्रॉब्लम को सुलझाने की। इफ़ यू लाइक दिस चैनल काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग ओवर इट। तो पहला सवाल आज का है दिलीप राजोले जी का। दिलीप राजोली जी ने पूछा है कि C1 C2 की सर्जरी खतरनाक होती है कि नहीं, क्या उनको ये सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए और रिकवरी कब तक होती है। तो देखिए दिलीप राजोली जी, C1 C2 सर्जरी एक नॉर्मल स्पाइनल सर्जरी की कैटेगरी में ही आती है। इस सर्जरी में हम स्पाइन को फ्यूज़ करते हैं, हालांकि इसके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत सीरियस सर्जरी है। ये सर्जरी रेगुलरली करी जाती है। हम लोगों को कुछ स्पेशल जांचें करानी होती हैं जिससे हम वर्टेब्रल आर्टरी का कोर्स देखते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से हम उस वर्टेब्रल आर्टरी से बचते हुए सर्जरी को कर सकते हैं। इस सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और मरीजों को आराम मिलता है कुछ महीने में। मैं सोचता हूँ सर्जरी के 1-1.5 महीने बाद आराम मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि दिलीप जी, एक बात इम्पॉर्टेंट है कि यदि आपको ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो गया है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा आराम ना मिले। अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपको दिक्कत कम है, तो या तो हो सकता है कि आपको पहले के मुकाबले फ़ायदा हो या फिर एटलीस्ट प्रॉब्लम बढ़े ना। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इन दोनों के लिए सर्जरी को किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि मेरे जवाब से आपको प्रॉब्लम के बारे में समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दिलीप जी। नेक्स्ट सवाल पूछा है मोहम्मद रहमत जी ने पूछा है कि उनको L1 L2 पे डिस्क था जिसके लिए उन्होंने लैमिनेक्टमी सर्जरी करवाई है और उनको अभी रिलीफ पूरी तरह नहीं आया है, सर्जरी को कुछ ही महीने हुए हैं। तो देखिए रहमत जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो सर्जरी का रिलीफ काफ़ी लंबे समय तक आता है। दूसरी बात, आपकी सर्जरी किस तरह से की गई, आपको पहले से कितनी दिक्कत थी, नर्व में पहले से कितना डैमेज हो गया था, क्या नर्व बचाने लायक थी कि नहीं थी, सर्जरी के दौरान क्या हुआ, ये सारी बातें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि सर्जरी कब हुई, कैसे हुई और कितने टाइम में हुई। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी सर्जरी से रिलेटेड किसी बात में कंफ्यूजन है तो बेस्ट आंसर्स जो हैं आपके सवालों के, वो आपके प्राइमरी ऑपरेटिंग सर्जन दे सकते हैं जिन्होंने आपकी सर्जरी की। उन्होंने डिटेल में केस को समझा होगा, देखा होगा, उसको स्टडी किया होगा, उसी के बाद उन्होंने आपकी सर्जरी की होगी। तो बेस्ट रहेगा कि आप उनसे डिटेल में पूछें। हालांकि जनरली एक कोई भी स्पाइन सर्जरी होती है उसके बाद रिकवरी करीब 3-6 महीने तक आती है और पेशेंट को फ़ायदा कुछ महीनों में धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये तो एक जनरल बात है, लेकिन डिटेल के लिए बेस्ट है अगर सर्जरी के बाद आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो आपको अपने ही डॉक्टर से जानना चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल रामानुजन सिंह ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनको L5-S1 पर स्लिप डिस्क है, वो बैठ नहीं पाते, आगे झुक नहीं पाते, उनको बहुत दर्द रहता है, उनके पैरों में दर्द आता है और इस तरह की दिक्कतें होने की वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उनको सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं। तो रामानुजन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी कराना एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है कंजर्वेटिव दवाइयों, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर्स के बाद। यदि आपको लगता है कि आप दवाइयां काफ़ी दिन ले चुके हैं, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपने डॉक्टर्स को दिखाया है, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया है, कायरोप्रैक्टर्स को दिखाया है, योगा, आयुर्वेदा और जितने भी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जिनमें से आप काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं और फिर भी आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, और आपके डॉक्टर आपके MRI रिपोर्ट्स और आपकी अदर रिपोर्ट्स को देख के आप सजेस्ट कर रहे हैं कि स्पाइन सर्जरी करनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है। स्पाइन सर्जरी का बहुत ही सक्सेसफुल आउटकम होता है, बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है और स्पाइन सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। ये सर्जरी ओपन होगी, माइक्रोस्कोपिक होगी या एंडोस्कोपिक होगी, ये समझने के लिए आपको अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से डिस्कस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल पूछा है सुधीर वर्मा जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि उनको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस Grade 2 है और उनको कुछ महीनों से उनके पैरों में दर्द आने लगा है और वो सर्जरी कराएं या ना कराएं ये कंसिडर कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि उनको 6 महीने तक दवाई ट्राई करनी चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए सुधीर जी, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा सर्जरी की ही ज़रूरत पड़े। सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ज़रूरत पड़े तो लंबर बेल्ट सपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। फिर भी अगर आप ठीक ना हो
तो आप अल्टरनेटिव थेरेपीज जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, कायरोप्रैक्टर से मिल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपको ठीक नहीं कर पा रही हैं, आप बहुत दिन दवाई ट्राई कर चुके हैं और फिर भी आपकी लाइफ बेटर नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है और आप स्पाइन के डॉक्टर से, अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से मिल सकते हैं और आप अपनी सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। और आपने ये भी पूछा है कि क्या एंडोस्कोपी से स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की सर्जरी हो सकती है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एंडोस्कोप असिस्टेड स्पाइन सर्जरी स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के लिए अब होने लगी है, उसको हम रेगुलरली करते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स इसको कर सकते हैं, जिसमें कि एंडोस्कोप के माध्यम से हम डीकम्प्रेशन करते हैं और परक्यूटेनियस पेडिकल स्क्रूज लगा देते हैं और केज इंसर्शन कर देते हैं, जिससे पूरी स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का फ्यूजन प्रोसीजर एंडोस्कोप असिस्टेड हो जाता है और बड़ा होल करके डीकम्प्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप सर्जरी के बारे में सोचिए, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से राय लीजिए और अपनी सर्जरी को बेधड़क, बिना डरे अपने डॉक्टर की गाइडेंस में करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सवाल पूछा है केला देवी जी ने। केला देवी जी ने पूछा है कि उनको किसी सर्जरी के बाद ऑपरेशन हो गया था, उनको अपनी बेटी की स्पाइन सर्जरी शायद करानी है और वो ये पूछ रही है सर्जरी में इन्फेक्शन का खतरा होता है कि नहीं और एंडोस्कोपी में कितना होता है। तो केला देवी जी, ये समझिए कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इन्फेक्शन के मामले में सबसे बेस्ट सर्जरी है, सबसे कम रिस्क इन्फेक्शन का एंडोस्कोपी में होता है, क्योंकि चीरा हद से ज़्यादा छोटा होता है, ब्लीडिंग बिल्कुल भी होती ही नहीं और टांके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओपन स्पाइन सर्जरी और माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में बड़ा चीरा लगाना पड़ता है, उनमें टांके लगाने पड़ते हैं और ब्लड लॉस भी होता है। हालांकि माइक्रोस्कोपी में जो ब्लड लॉस है वो ओपन के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी होता है। एंडोस्कोपी में लॉस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और इस सर्जरी को करने के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। पेशेंट को अगले दिन से ही आराम मिल जाता है, सेम डे से भी आराम कभी कभी मिल जाता है और पेशेंट को इन्फेक्शन का खतरा ऑलमोस्ट निल या नेग्लिजिबल होता है और इस सर्जरी के रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आपको एंडोस्कोपी करानी है तो आप बेधड़क, बिना डरे करा सकते हैं आपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन की मदद से, उनसे डिस्कशन करके, और आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप बिल्कुल विश्वास करके ये कराइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये थे आज के सवाल, उनके जवाब देने की मैंने कोशिश करी है। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें और उसे सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे आपको कि जो भी हमारे चैनल पे डेटा आएगा उसके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मैं एपिसोड 11 के साथ जल्दी ही हाजिर हूँगा और तब तक के लिए धन्यवाद एंड शुभरात्रि।